हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप यू आप सब ठीक होंगे। मैं फिर से लेके आ गया हूँ एमजी कार्टून स्टोरी हाईवे की चुड़ैल। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आए। सूरत के रहने वाले जिग्नेश पिछले साल नवरात के दिनों में कार लेकर अपने दोस्त दीपक के साथ सूरत से जामनगर आ रहे थे। रात के 2 बजे होने के कारण रास्ता काफी सुनसान था। गाड़ी 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी और गाड़ी में तेज म्यूजिक बज रहा था। तभी अचानक गाड़ी से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक खूबसूरत औरत लिफ्ट मांगने का इशारा करते नजर आई। जिग्नेश गाड़ी चला रहा था जबकि दीपक उसके बगल में बैठा था। औरत को देखते ही जिग्नेश गाड़ी धीरे करने लगा। इस पर दीपक ने उसे टोका कि आजकल हाईवे पर इस तरह से गाड़ी रुकवाकर लूटपाट की जा रही है, इसलिए तुम गाड़ी मत रोकना। पर जिग्नेश नहीं माना, उसने औरत के बगल में जाकर गाड़ी रोक दी। कहाँ जाना है आपको? जिग्नेश ने पूछा। जामनगर, औरत का जवाब आया। जिग्नेश ने पीछे वाली सीट पर उसे बैठा लिया। कुछ देर तक तो सब कुछ सामान्य रहा, पर अचानक ही पीछे से उस औरत के हंसने की आवाज आने लगी। दीपक ने मुड़ करके देखा तो उसके होश उड़ गए और उसकी चीख निकल पड़ी। वो औरत दरअसल एक चुड़ैल थी। उसने अपने लंबे लंबे बाल आगे की तरफ झुका रखे थे, जिनके बीच से उसकी चमकती हुई डरावनी आंखें दिखाई दे रही थी। उसके नाखून चाकू की तरह लंबे थे और शरीर पर भी मर्दों की तरह बाल थे। चीख सुनकर जिग्नेश ने फौरन ब्रेक लगा दिया और गाड़ी खड़ी कर कूद कर भागने लगा। दीपक ने भी यही करना चाहा, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी उसके साइड का दरवाजा नहीं खुला। कुछ देर बाद जब जिग्नेश कुछ गांव वालों को लेकर गाड़ी के पास पहुंचा तो वहां सिर्फ गाड़ी खड़ी थी। इस घटना के बाद दीपक का कभी कोई पता नहीं चला। जिग्नेश भी कुछ दिनों बाद अचानक से बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि उस इलाके में हर साल उसी दिन के आसपास इस तरह की एक घटना घटती है, जिसकी वजह आज तक कोई नहीं समझ पाया। यह कहानी आप सबको पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।